Namaste and good morning, everyone. Let's start our Monday class with some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurve Namaha, Om Bhuvah Svaha, Tat Savitra Varenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Yo Naha Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्य ओम सैनावतु सैनोभुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 ओम. सो टुडे इज अवर शिव पुराण डे. In our book, we are on 360, that's the page number, and Adhyaya is 19, and it's a Rudra Sahita. And title of this chapter is Parvati Dwara Ganesh Ji Ko Vardhan, Devon Dwara Unhe Agra Pujye Mana Jana, Shiv Ji Dwara Ganesh Ko Sarv Adhyaksh Pad Pradhan, or Ganesh Chaturthi Vrat Ka Varnan, Tatpashat Sabhi Devtaon Ka Unki Stuti Ke हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को पहुंचाना. ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब विकृत स्वरूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गण नायक देवों ने उनका अभिषेक किया. अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मग्न हो गई और उन्होंने हर्ष अतिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया. अतिरेक, अतिरेक इज ए दैट मींस इन अबंडेंस, अलॉट, समथिंग इन एक्सेस, अतिरेक. फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए. तदंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया. इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत कृत्य हो गया है, तू धन्य है. अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा. चूंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए. जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे. इसमें ले भी संशय नहीं है. ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया. विप्र, तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया. तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्ष अतिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावचित से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले. वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया. तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, ये मेरा दूसरा पुत्र है. तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया. फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें. तब मैं शंकर और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए. मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें. ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी. देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा, उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं.
ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हें, तदंतर ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वही गणेश को सर्व अध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। शिव जी ने कहा, गिरिजा नंदन, निस्संदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूं। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभ उदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। ये व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथन अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि से ही तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि से उपवास करें, फिर धातु की मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। उन्हें रात्रि का प्रथम प्रहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वादलों से पूजन करना चाहिए। दुर्वा इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ए ग्रास। ये दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करें। यों गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद कर पाए, फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, यों व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रत उद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे, तिथि के अनुसार विराजमान करके उस पर अष्ट दल कमल बनाए, फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और साधन उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करें, प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनर्आगमन के लिए विसर्जन करके बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश, जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यों जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को, ये पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले, अभ्युदय मीन्स द एक्सटर्नल प्रोस्पेरिटी, मटीरियल प्रोस्पेरिटी, अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी ये व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने,
जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथा अस्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता, तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं। उस अवसर पर देवताओं की धुंधुमियां बजने लगी, अप्सराएं लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, यूं परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब शिव जी भी, जो स्व आत्मा राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरिजा के समनिकट के और लोगों की हित कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं, ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिव शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक अख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो, चला गया हो, उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। ये गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। सो नेक्स्ट चैप्टर, स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनसे क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और क्षुब्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चला जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। नारद जी ने पूछा, तात, मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी, शिव और पार्वती का उज्जवल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम तो बड़े कार्मिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सत्यम, अच्छा अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देख कर महान प्रेम में मगन रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूरी से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह शनमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे शठानन प्यारा है, वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए
उन्हें माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यूं बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रो, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो। किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने माता पिता की यह बात सुनकर षडजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। परिक्रमा मुझसे हो नहीं सकेगी क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी एवं माता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ दो आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही, वे हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले। शिव शिवा ने कहा, बेटा, तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर आ। कानन मीन्स फॉरेस्ट। इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर आ। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौट आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, शिव पार्वती तो बड़े लीला नंदी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र, उन्हें समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सप्त द्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश बोले। गणेश ने कहा, माता जी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य। जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा।
इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यो कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों धर्म रूप हैं, अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परम उत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थ भाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिवा शिव ने कहा, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझमें निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ले। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है, हमने तेरी वह बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यूं कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के उद्योग का पता चला तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थी जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने, गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों से उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस पर परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लव हुआ। इस बार जब गणेश अचूक का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार सिकंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवा शिव के द्वारा रोके जाने पर भी ना रुक कर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। देव ऋषि, उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व कुमारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक सर्व पापहारी पुण्य में और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता ऋषि तीरथ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृति का नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का विछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद, वे दोनों शिवा शिव भी पुत्र स्नेह से विवल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो 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 वृतांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें क्या सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है
निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। ये अनुपम आख्यान पाप नाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्ष प्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। ये कल्याणकारक शिव जी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्ष कामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ रुद्र संहिता। सो नाउ द नेक्स्ट संहिता युद्धखंड। तारक पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की तपस्या। ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, मैं द्वारा उनके लिए तीन पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृह संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परम उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्र देव ने खेली खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों लोकों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया वही मैं वर्णन करता हूं। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था वह चरित्र कहता हूँ। सुनो मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्माली मझला था, वे जितेंद्रिय सदा कार्य के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ चित, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तम उत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियो, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सब के लिए अवध्य हो जाए। अवध्य मीन्स कोई वध ना कर सके। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तम उत्तम नगर, अन्य अन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की ये बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरो, अमृत वो सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यो इस भूतल पर जहां कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता।
इसलिए पाप रहित असुरों तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवतर असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांगे जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण ना कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मृषि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे दो घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पिता महाब्रह्मा जी बोल रहे। दैत्यों ने कहा, भगवान यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुख पूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच ताराक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वह स्वर्ण में हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण ये 3 पुर मध्यान्ह के समय अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा के पुण्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें। प्रकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्करा व्रत नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1,000 वर्ष के बाद ये 3 नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्व देव में और सबके देव है, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे। मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग लेते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पिता में ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यूं मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वरूप को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने ताराक्ष के लिए स्वर्ण में, कमलाक्ष के लिए रजत में और विद्युन्माली के लिए लोह में यूं 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूर्व क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन 3 पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन 3 पुरों को पाकर महान बलशा पराक्रम से संपन्न वे तारक असुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्म राग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्र शाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलाइयों से तथा समूह के समूह स्वर्ग से चित हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों से सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियों, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिले हुए थे उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मत मत गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेद अध्ययन की पाठशालाएं भी निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मनवाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे।
पति सेवा प्रायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ एवं स्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मेय द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के मथन करने वाले थे। वेदों शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं प्रीति पूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट वीक विल सी तारका पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार, ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। सो विल एंड टुडेस क्लास हियर। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।